एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा जी, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, जो भी न्यू फ्रीलांसर हैं सीख रहे हैं, तो हमारे फ्रीलांसर में मैंने एक चीज़ देखी है कि वो कोई भी कोर्स शुरू करते हैं तो उसमें फोकस नहीं होते, कोई दूसरा कोर्स उनको सेम टाइम पे पता चल गया तो जी उसकी तरफ चल पड़ेंगे, या ऑलरेडी किसी ने दो कोर्सेज किए हुए हैं तीसरा कोर्स कर रहे हैं, तो हाँ इसके जी बारे में थोड़ा सा बताएं कि फोकस्ड किस तरह हो और किस तरह से एक चीज को ही करें बार बार, मतलब कि अपनी एनर्जी डिफरेंट चीजों पे वेस्ट करते रहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? असल में हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे वी वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, और इंस्टेंट रिजल्ट मिल भी जाते हैं कभी कभी आपको व्हेन यू आर लकी एंड व्हेन यू हैव गॉट द क्लाइंट जो वाकई आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हैं उस पॉइंट पे. बट ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आ सकता जब तक आप के पास स्किल्स नहीं है, लर्निंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है. अगर आप एक कोर्स पे फोकस नहीं है, आप उससे लर्न नहीं कर रहे हैं, आपके पैसे जाया है, आपके टाइम जाया है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जाया, आप आगे जाके कुछ भी नहीं कर सकते. इट इट विल बी रियली प्रॉब्लमेटिक. तीन कोर्सेज इकट्ठे पकड़े हुए हैं. आई बिलीव कुछ लोगों में एक एक्स्ट्रा हाइपर एक्टिव एनर्जी होती है, वो ये टास्क कर सकते हैं, लेकिन नॉट एवरीबडी कैन डू दैट. इसी तरह से तीन कोर्सेज लेकर अपने आप को ओवरबर्डन ना करें. टेक वन कोर्स एट अ टाइम, उसको अंडरस्टैंड करें, लर्न करें. उसके हर कोर्स वर्क की एक डिफरेंट आउटलाइन होती है, उनके डिफरेंट टास्क होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें, देखें कि मैंने इस चीज से क्या सीखा है और आगे मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ. हर कोई इंस्टेंट चीजों की तरफ भाग रहा है, जिसकी वजह से हम एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे. वो जो फोकस इंक्रीज करने के लिए हमें रुकना पड़ेगा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट किया हमने अपना टाइम. और हमारे लिए अगर आपको लगता है कि वो कोर्स आपके लिए अच्छा नहीं है, आई से कि वो फिर भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम फेल हो रहे हैं या हमें लग रहा है कि दिस इज नॉट समथिंग रिगार्डिंग अ फील्ड, बट वी आर स्टिल लर्निंग इन एनी वे. हमारी सक्सेस, हमारा फेलियर, इट्स स्टिल द लर्निंग. हम कोई कोर्स लेट्स से मैनेजमेंट का उठा रहे हैं तो हम न्यूरो साइकोलॉजी का क्यों पढ़े हैं? ऑब्वियसली बिकॉज मैनेजमेंट इज लिंक्ड विद ह्यूमन न्यूरो साइकोलॉजी. तो अगेन देर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन वन एंड अदर थिंग. इसी तरह से यू नो इफ यू हैव टू डू द फ्रीलांसिंग और हमारी ऑनलाइन रिलीज, जब आर वी गोइंग टू रीड द बुक, मे बी इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, और ये आपकी सोचने और समझने की सलाहियत के ऊपर काम कर सकती है. तो अपने कोर्सेज को सीरियसली लें, वो सिलेक्ट करें कोर्सेज जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. उनके कोर्सेज सेलेक्ट करें जिनकी एक रेपो बिल्डिंग बहुत अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, नॉट जस्ट ऑनलाइन रिव्यूज, बल्कि वाकई ही लोगों से उसके बारे में डिस्कस करें, अंडरस्टैंड करें. किसी कंपनी को ज्वाइन करने लगे, किसी कोर्स को ज्वाइन करने लगे, उनके प्रीवियस एम्प्लॉयज, रीसेंट एम्प्लॉयज, रीसेंट स्टूडेंट्स, डू टॉक टू देम अबाउट इट, अंडरस्टैंडिंग करें. इसी तरह से हर कोर्स के बाद फीडबैक दें. जैसे इस वर्कशॉप के बाद आई वुड लाइक यू गाइस टू गिव मी द फीडबैक. इसी तरह से आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. फीडबैक होगा, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल नो वेयर योर व्हाट योर फॉल्ट्स वर, किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे नहीं करना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट टू. यस.